सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया है कि कौन सा टेस्ट है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो ये साइड एंड ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, एंड ये जो तीसरा साइड है एसी ये पीआर के साथ बराबर है। तो यहाँ पे तीनों साइड इक्वल है तो ये कौन सा टेस्ट आएगा, एस 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 टेस्ट। अब जरा नेक्स्ट वाला देखना, यहाँ पे साइड इधर का साइड इक्वल है, यहाँ पे एंगल इधर का एंगल इक्वल है, यहाँ पे साइड इधर का साइड इक्वल है, तो इसको हम लोग कौन सा टेस्ट बोलेंगे, एस ए एस टेस्ट बोलेंगे। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। आप लोग आगे का दो ट्राई, यहाँ पे एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है ये एंगल के साथ, साइड कॉन्ग्रुएंट है इधर के साइड के साथ, एंगल कॉन्ग्रुएंट है यहाँ के एंगल के साथ, तो ये जो टेस्ट है ये क्या है, एएसए टेस्ट। चलो फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे साइड कॉन्ग्रुएंट है साइड के साथ, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट इज हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के ऑपोजिट इज हाइपोटेन्यूज, तो ये कौन सा टेस्ट रहेगा, हाइपोटेन्यूज साइड। हो गया सर। ओके। अब यहां पे सबसे पहले क्या दिया है, एंगल एबीसी एंड एंगल पीक्यूआर ये दोनों क्या है, इक्वल है, सबसे पहले क्वेश्चन में ही दिया है। नेक्स्ट बीसी जो है ये क्यू आर के बराबर है, ये भी क्वेश्चन में दिया है। नेक्स्ट ये एंगल एंड ये एंगल ये भी इक्वल है, ये भी दिया है, तो ये कौन सा टेस्ट आएगा जरा बताओ, ये एंगल साइड यहाँ पे एंगल सर, एंगल। वेरी गुड, तो ये आएगा ए एस ए टेस्ट। ओके अब नेक्स्ट आपको दिया है बी ए सी जो एंगल है, अब बी ए सी जो एंगल रहेगा ये क्यू पी आर के बराबर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कैसे आप करोगे, एंगल ए जो रहेगा पी के बराबर है, बी जो रहेगा क्यू के बराबर है, सी जो रहेगा आर के बराबर है, तो यहाँ पे एंगल ए बी सी ये किसके बराबर रहेगा, क्यू पी आर के बराबर, यहाँ पे क्यू पी। नेक्स्ट सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ए बी इज दिस, और यहाँ पे नोटिस कर सकते हो आप ए बी ये किसके बराबर रहेगा, ये बराबर रहेगा पी क्यू के बराबर, तो यहाँ पे क्या आएगा, पी क्यू। नेक्स्ट इज सेगमेंट पी आर, तो सेगमेंट पी आर मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, आखिरी दो दैट इज ये एंड के दो, तो यहाँ पे भी एंड का दो कौन है, तो एंड का दो इज ए सी, यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू पी आर। वैसे चलो ये साइड वाला करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले पी टी ये एस टी के बराबर है, क्वेश्चन में मेंशनड है, एंगल पी टी क्यू ये किसके बराबर है, एंगल एस टी आर वर्टिकली ऑपोजिट। नेक्स्ट टी क्यू जो है ये दूसरे ट्रायंगल के इसके साथ बराबर है, ये क्या हो गया साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड, तो ये कौन सा टेस्ट होएगा, एस ए एस टेस्ट होएगा, ठीक है एस ए एस टेस्ट होएगा ये वाला पार्ट। अब नेक्स्ट यहां पे इट इज ट्रायंगल पी टी क्यू, अब यहां पे देखना एंगल पी, यहां पे कौन सा मेंशन किया, एंगल पी किसके बराबर रहना चाहिए, एस के बराबर रहना चाहिए, तो ये एंगल एस का हम लोग नाम कैसे देखेंगे, एंगल आर एस टी, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल आर एस टी आएगा। वैसे नेक्स्ट यहाँ पे कौन है, एंगल आर, तो जो एंगल आर है ये किसके बराबर आना चाहिए, एंगल क्यू के बराबर, एंगल क्यू का नाम हम लोग कैसे देंगे, पी क्यू टी देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल पी क्यू टी। जस्ट इसके अकॉर्डिंग जरा देखना है कैसे आप करोगे, वापस मैं आपको हेल्प करता हूं,
देखो अगर आपको एंगल पी पूछा है तो एंगल पी एंगल एस के बराबर है, टी एंगल टी के बराबर है, क्यू एंगल आर के बराबर है। अगर साइड पूछा रहेगा तो पी टी एस टी के बराबर है, टी क्यू एस आर सॉरी टी आर के बराबर है एंड पी क्यू एस आर के बराबर है। तो यहाँ पे सेगमेंट पी क्यू जो रहेगा ये किसके बराबर रहने वाला है, सेगमेंट एस आर के बराबर। ओके, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन हमें ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर के बीच में कौन सा टेस्ट है वो लिखना है। सबसे पहले आपको क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जो ऑपोजिट है इसको आप हाइपोटेन्यूज बोलते हो। यहाँ पे भी सेम, ये भी क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज रहेगा। ये आपका साइड रहने वाला है, ये भी आपका साइड रहेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, सबसे पहले चीज बी सी ये इक्वल टू रहेगा पी आर। ठीक है, यहाँ पे आप रीजन क्या लिखोगे, गिवन। नेक्स्ट आप यहां पे क्या बोलोगे, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये भी आप क्या बोलोगे, गिवन। नेक्स्ट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल का नाम कैसे लिखोगे, ए क्यू के साथ है तो यहां पे ए लिखो, इस तरफ क्यू लिखो, ए बी, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, तो क्यू के साइड में क्या लिखोगे, पी। बचा क्या, सी, यहां पे क्या बचा, आर। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर सॉरी क्यू पी आर। मैं वापस रिपीट करता हूं, ध्यान देना। देखो सबसे पहले मैंने कैसे किया, एंगल ए और एंगल क्यू बराबर है तो पहले ए लिखा, यहां पे क्यू लिखा, फिर इसके बाद ए बी, ए बी किसके बराबर है, क्यू पी के बराबर है। बचा कौन, सी, यहां पे कौन बचा, आर। तो ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। अब टेस्ट का नाम क्या रहेगा, तो ये है हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। अब हमें रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स के बारे में लिखना है, तो बहुत ही सिंपल है, जरा ध्यान देना। क्या लिखोगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। इसको आप कैसे लिखोगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे। नेक्स्ट ए बी ये इक्वल टू रहेगा पी क्यू के बराबर, वैसे बी सी ये बराबर रहेगा आर पी के बराबर, वैसे ए सी ये बराबर रहेगा क्यू आर के बराबर। इसका आप क्या लिखोगे शॉर्ट फॉर्म, करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। फोर्थ क्वेश्चन, आपको कौन से दो ट्रायंगल्स के बारे में लिखना है, इन ट्रायंगल एल एम एन एंड ट्रायंगल पी एन एम, ये दो ट्रायंगल्स के बीच में। सबसे पहले यहां पे आपको क्लियरली मेंशनड है कि सेगमेंट एल एम ये इक्वल है किसके बराबर, सेगमेंट पी एन के बराबर। यहां पे आप रीजन क्या लिखने, रीजन क्या है, गिवन लिखना। नेक्स्ट एल एन जो रहेगा ये आपको दिया है पी एम के बराबर है, इधर भी आप रीजन में क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट आप क्या नोटिस कर रहे हो, दोनों ट्रायंगल के लिए एम एन इक्वल टू क्या रहेगा, एम एन रहेगा। अब इसका रीजन आप क्या लिखोगे, कॉमन साइड है ये दोनों ट्रायंगल का, तो ये भी इक्वल हो गया दोनों ट्रायंगल के लिए, तीनों साइड इक्वल है। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, ध्यान देना, एल एम, ठीक है, तो सबसे पहले एल एम लिखो,
एल एम किसके बराबर रहेगा? पी एन के बराबर। यहां पे कौन बचा? एम। यहां पे कौन बचा? एन। तो ये दो ट्रायंगल एक दूसरे के साथ क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। टेस्ट का नाम क्या रहेगा? एस 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 टेस्ट रहेगा। ओके, अब हमने सारे साइड्स को तो इक्वल प्रूव किया, बचा कौन सा कॉन्ग्रुएंट पार्ट? सारे एंगल्स। यहां पे एंगल एल ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा एंगल पी के साथ, एंगल एम ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा एंगल एन के साथ, एंगल एन ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा एंगल एम के साथ। इसका रीजन आप क्या लिखोगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, यहां पे हमें क्या करना है? तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी, क्लियरली आपको दिख रहा है ए बी एंड बी सी ये एक दूसरे के साथ इक्वल है, तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी सी लिखोगे। सिंपली आप लिखो यहाँ पे इट इज गिवन, क्वेश्चन में दिया है। वैसे ए डी जो है ये इक्वल टू सी डी है, क्वेश्चन में दिया है, गिवन लिखो। नेक्स्ट, ये जो बी डी वाला साइड है ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉन्ग्रुएंट है, ऊपर वाला ट्रायंगल सॉरी लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों ट्रायंगल्स के लिए इक्वल है। तो यहाँ पे बी डी इक्वल टू बी डी रहेगा। इसका रीजन आप क्या लिखोगे? यहाँ पे कॉमन साइड लिखोगे। अब ये भी ट्रायंगल जो है इसके बारे में आप क्या लिखोगे? तो यहाँ पे लिखना देयरफॉर। अब यहाँ पे ए बी, तो यहाँ पे लिखना ए बी। ए बी किसके बरोबर है? सी बी के बरोबर है। यहाँ पे कौन बचा? डी। यहाँ पे कौन आएगा? डी। तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। टेस्ट का नाम क्या आएगा? एस 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 टेस्ट आएगा। ओके, अब हमें कुछ रिमेनिंग ट्रायंगल यहाँ पे कुछ इक्वल प्रूव नहीं करना है। ओके, हमें क्या है दिया है? ट्रायंगल पी क्यू टी एंड ट्रायंगल आर क्यू एस कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो यहां पे लिखना इन ट्रायंगल पी क्यू टी एंड ट्रायंगल आर क्यू एस। तो सबसे पहले चीज यहां पे आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो? अगर आप नोटिस करोगे, सबसे पहले आप क्या करो? ट्रायंगल को सेपरेट करो ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो। ये आएगा P, Q एंड T एंड ये रहेगा आपका दूसरा ट्रायंगल। तो ये यहाँ पे आएगा R, ये आएगा S एंड ये आएगा Q। ओके, अब इसको प्रोसीड कैसे करोगे? सबसे पहले ये एंगल एंड ये एंगल ये दोनों के लिए क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले आप लिखोगे एंगल PQT इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस क्यू आर। इसका आप रीजन क्या लिखोगे? इट इज कॉमन एंगल फॉर बोथ, दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन एंगल है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये जो पी क्यू है ये किसके बराबर है? क्यू आर के बराबर है। तो आप पे लिख सकते हो पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर। यहाँ पे आप रीजन में क्या लिख सकते हो? इट इज गिवन, क्वेश्चन में मैंशनड है। ओके, नाउ हमें क्या चाहिए? कोई भी एक साइड जो है इसको इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे लेकिन उन्होंने क्या दिया? एंगल इक्वल दिया है, दैट इज एंगल पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। यहाँ पे आप इसका रीजन क्या लिखोगे? गिवन। ओके, अब ये ट्रायंगल का नाम आप कैसे लिखोगे? पी जो है ये किसके बराबर है? आर के बराबर। क्यू जो है ये किसके बराबर है? क्यू के बराबर है। बचा कौन? टी। यहां पे कौन बचा? एस। तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है। इसका आप रीजन क्या लिखोगे? तो इसका रीजन आएगा एंगल साइड एंगल आएगा। तो यहां पे आएगा ए एस ए। यहां पे एंगल आर।